हेलो नमस्कार, संस्कृत धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं मूर्ति देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हमारा जो छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं वर्णमाला, वर्णमाला के विषय में पढ़ते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो हम आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं, यदि वही क्वेश्चन यदि ठीक हो जाए तो हमारे जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं। तो इस आज का हमारा जो विषय है वर्णमाला, कि हिंदी वर्णमाला में मानक रूप में कितने वर्ण लिए गए हैं, कितने वर्णों के माध्यम से एक वर्णमाला बनी है। जैसे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो वर्णमाला है इसमें एक एक विद्वान के जो विचार लेकर जो ये वर्ण बनाए गए हैं, कि इसमें जो बहुत सारे विद्वानों ने अपना योगदान दिया। श्याम सुंदर दास का नाम मैं पहले लेना चाहती हूँ, जिन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया। उन्होंने जो ये जो हमारा जो नासिक्य जो वर्ण है इसमें अनुस्वार लगाने का सुझाव दिया था, और बाद में 1921 ईस्वी में जो कामता प्रसाद गुरु हुए उन्होंने हिंदी व्याकरण लिखी, और जो सबसे पहले जो प्राचीन जो व्याकरण है उसका नाम मैं लेना चाहती हूँ आपके सामने, तो वो थे हमारे अष्टाध्यायी नामक जो रचना थी, जिसकी जो रचना की थी पाणिनि ने की थी। पाणिनि ही संस्कृत साहित्य के जो प्रथम आचार्य है जिन्होंने जो अपनी रचनाओं को वृत्तियों में लिखा, और वृत्तियों के माध्यम से ही उन्होंने जो ये जो सारे जो वर्ण है ये सूत्रों में लिखे, और उन उसमें जो उनके पाणिनि ने जो 4000 सूत्र लिखे, और उन्हीं सूत्रों को आगे चलकर जो हिंदी व्याकरण का विकास हुआ, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे जो मानक भाषा के रूप में वर्ण अपनाए गए। तो हम आज उन वर्णों के विषय में पढ़ते हैं। तो इसके विषय में पढ़ने से पूर्व मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देना चाहती हूँ, कि वैसे तो हिंदी जो हमारे जो राष्ट्रीय भाषा है इसको अपनाने के लिए पहले ही बहुत सारे जो आंदोलन चलाए गए, तब ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनी। और इससे जो पहले जो हमारे जो राष्ट्रभाषा बन जाने से पूर्व जो 11 जो सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक जो आंदोलन चला, जो नागरी जो हमारी जो देवनागरी लिपि अपनाई गई और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो इसमें जो आंदोलन इसमें जो अनेक विद्वानों के विचार लिए गए, और इन विद्वानों ने सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमारी जो हिंदी की देवनागरी में देवनागरी भारत की मानक भाषा होगी, और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। और इसमें जो दो भाषाएं अपने वैध रूप में थी, एक हिंदी और दूसरी भाषा थी हिंदुस्तानी, एक गुट देवनागरी लिपि के पक्ष में था और दूसरी जो भाषा थी वो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा में बस फर्क इतना ही था कि उसमें जो अरबी और फारसी के जो वर्ड थे, यानी कि उर्दू मिश्रित शब्दावली थी, जो जो कि हमारे जो देवनागरी लिपि से थोड़ा सा हट करके, तो इसमें फिर निर्णय ले लिया गया 14 सितंबर 1949 को, जैसे आप हम मनाते भी हैं हिंदी दिवस के रूप में, तो हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर 1949 की का ये जो आंदोलन चलाकर जो हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी। तो इसमें मानक भाषा के रूप में किन वर्णों को अपनाया गया, हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण लिए गए हैं, और हमारी जो हिंदी की वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चलिए हम इन वर्णों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण का अर्थ है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे ए, ई, उ और री। तो ये सबसे छोटे वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, ए, ई, उ और री जो वर्ण कहलाते हैं। यही वर्ण फिर आगे चलकर स्वर और व्यंजन में डिवाइड हुए हैं, और स्वर और व्यंजन
स्वर और व्यंजन में डिवाइड है आगे चलकर। फिर इसके पश्चात जो स्वर है, स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों का सहारा न लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत में जैसे कहा भी गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिनका अपना राज हो यानी कि किसी दूसरे वर्णों का सहारा न लेना पड़े तो उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर संख्या में 13 है, यानी कि मूल स्वर यदि आ जाए तो इनकी जो संख्या है वो मूल स्वर यदि पेपर में आ जाए तो इनकी संख्या 11 है, और यदि टोटल जो इनकी संख्या आ जाए तो इनको मिलाकर 13 वर्ण है, अंग और अह। और अंग और अह ये हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह कहलाते हैं, आयोग वाह। और ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आयोग वहां के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये दो ही हिंदी वर्णमाला में केवल दो ही वर्ण आते हैं, अंग और अह। और जो 11 जो मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कितने 11। और आगे जो जो व्यंजन है, व्यंजन जो कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इसमें 25 स्वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। सबसे पहले कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन के अंतर्गत क ख ग घ ग। फिर है तालव्य, तालव्य के अंतर्गत पी 5 च छ ज छ ज। मूर्धन्य के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण। दंत्य, दंत्य के अंदर अंतर्गत भी च थ द ध और न। फिर है आगे उष्ठ, उष्ठ के अंतर्गत प क ब भ म, यानी कि प वर्ग, प से लेकर म तक, क से लेकर ग तक क वर्ग, च से लेकर य तक च वर्ग। और ट से लेकर ण तक ट वर्ग, त से लेकर न तक त वर्ग, त वर्ग। त वर्ग और प से लेकर म तक प वर्ग, यानी कि ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल और व, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आगे है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, स श स और ह, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो सही यदि पेपर में यह आ जाए कि संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं तो स श स ह। और आगे है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्ष त्र ज और श्र। क्ष, क्ष जो वर्ण है क प्लस श से बना है, क प्लस श से, क प्लस श से बना है क्ष। और त्र त प्लस र से, ज ज जो है ज प्लस य से, श्र जो वर्ण है स प्लस र से, स प्लस र से। ये व्यंजनों के योग से ये जो वर्ण बनते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे है 3 जो हमारी जो हिंदी की जो हिंदी के जो वर्णों में 3 जो व्यंजन है वो अरबी फारसी मिश्रित 3 वर्ण, यानी कि जो दूसरी भाषाओं के अंतर्गत लिए गए हैं 3 वर्ण है जो कि आगत व्यंजन कहलाए। और स्वरों में देखते हैं कि जो ए ऐ कंठ तालु ओ औ कंठ ओष्ठ, तो ये वर्ण कहलाते हैं। और ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन ये कई बार आता है कि उच्छिप्त व्यंजनों कितने होते हैं या उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं ड और ढ, जैसे पट्ठा, ढक्कन। और र ल वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। व हिंदी वर्णमाला में एक व
वह जो वर्ण है केवल एक ही वर्ण है जो दंतोष्ट है वह, और अर्ध स्वर के अंतर्गत यह अलावा और उष्ण के अंतर्गत स श स है, संयुक्त के अंदर क्षत्र ज और आगत के अंदर गण ग ज फ। ये है हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ण। आगे है अब इनकी जो संख्या के विषय में पढ़ते हैं कि कौन कौन से वर्ण कितने हैं। स्वर, यदि ये क्वेश्चन यदि ये आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की जो मूल संख्या वो है वो 11 है और दो आयोग हुआ, टोटल संख्या इनकी 13 है। और व्यंजनों की जो संख्या है वो स्पर्श व्यंजन 25, चार जो व्यंजन है अंतस्त, चार उष्ण और चार संयुक्त, ये जो व्यंजन है। आगे इनकी जो संख्या और फिर तीन जो व्यंजन है मिला करके जो टोटल जो इनकी संख्या बनती है वो 55 संख्या बनती है। टोटल संख्या कितनी है 55। टोटल संख्या, यदि पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है कि यदि स्वर और व्यंजनों की जो लेखन और मुद्रण में जो कितने व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं, तो 55 व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। और यदि वैसे ही संख्या पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 49 वर्ण है। कितने हैं 49 उच्चारण, उच्चारण में 49 वर्ण आते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने, वर्णों की संख्या कितनी है, तो 49 है। और लिखित में कितनी है 52, लिखित में 52। और लिखित और मुद्रण में, मुद्रण में यानी कि तीन जो ये वर्ण आगत व्यंजन अपना कर जो टोटल जो संख्या है वो, टोटल जो संख्या है वो 55 है। तो समझ आ गया होगा आपको कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण लिए गए हैं। तो चलिए एक बार और हम रिविजन लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, कि सबसे पहले वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो, सबसे पहले स्वर, स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वर भी कहलाते हैं जिनके उच्चारण में अन्य जो वर्णों का सहारा न लेना पड़े। और आगे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। स्वर तीन प्रकार के कहलाए, ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रा काल के जो वर्ण है ह्रस्व कहलाते हैं, और दीर्घ मात्रा काल के यानी कि जिनमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और प्लुत जिनमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ की मात्रा और दीर्घ स्वर मतलब आ की मात्रा, और प्लुत के अंतर्गत जो इससे ज्यादा जैसे राम ओम इत्यादि। तो आगे जो मूल स्वर 11 है लेकिन संख्या इनकी कितनी है 13। और इसी तरह से व्यंजन क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या 25 है। यह अलावा अंतस्त ये 4 है, उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, स श स ह इनको संवर्ची व्यंजन भी कहते हैं, और क्ष त्र ज श्र इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो इनमें स्वर नहीं आते। कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन व्यंजन कौन कौन से हैं, ऐसे व्यंजन कौन से हैं जिनके उच्चारण में जो स्वरों की सहायता ना लेनी पड़े, तो क्ष त्र ज और श्र। और आगत व्यंजन जिसमें अरबी फारसी आदि भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये तीन जो वर्ण है ग ज और फ। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ा, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।